नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 48। आज हम गिरते हुए शिक्षा के स्तर पर और नैतिक मूल्यों में गिरावट के मुद्दों पर बात करेंगे। पेश है ये खास रिपोर्ट। शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जाए और नैतिक मूल्यों में गिरावट का जिम्मेदार कौन के मुद्दे पर स्कूल व शिक्षा विदों से आइए दिखाते की गई बातचीत। मैं देशराज, गांव छछड़ा, प्रवासी निशतुन स्कूल संचालक और प्राइवेट नूह प्राइवेट स्कूलों का जिला अध्यक्ष हूँ। एक्चुअली शिक्षा का सत्र जब से सुप्रीम कोर्ट ने टीचरों से अधिकार छीने हैं, दूसरा शिक्षा का सत्र सुधारने के लिए इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार पेरेंट है कि स्कूलों में आके बच्चों की पैरवी करना, उल्टे सुलटे टीचरों से बोलना। हम भी इसी समाज में आते हैं, अगर हमको स्कूलों को फुल अधिकार दिए जाएं जो पहले शिक्षा दी जाती थी, तो मेरे विचार से हो सकता है कि और दोबारा से सुधार हो सकता है। समाज व अभिभावक, हम भी समाज में ही आते हैं और समाज ही सब जिम्मेदार है। करना चाहिए प्लस वन टू के बाद। इसमें कुछ ही स्कूल ऐसे हैं जो इस तरह से फीस मनमर्जी बढ़ाते हैं, बट ग्रामीण क्षेत्र में आते देखो और हमारे मेवात क्षेत्र में आते देख लो, हम नॉर्मल 500 रुपये 600 रुपये की फीस पढ़ाते हैं। पर कुछ ही स्कूल ऐसे हैं जो नामी ग्रामी हैं, अगर पेरेंट इसी तरह करते हैं तो उन स्कूलों में बच्चे ना पढ़ाएं। अपने छात्र जीवन में अगर हम पुरानी अपनी पद्धति को अपना लें या पेरेंट जागरूक हो जाए तो शायद उद्धार हो जाए बच्चों का। हमारे मेवात क्षेत्र भारतवर्ष में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित किया हुआ है और NCR के नज़दीक लगा होने के कारण हम पे जो प्रतिबंध लगे होते हैं वो दिल्ली NCR के नज़दीक के कारण लगे होते हैं। अन्यथा अगर मेवात क्षेत्र कैडर बना दिया जाए, जैसे गवर्नमेंट ने JVT टीचर में कैडर बना रखा है, इसी तरह हमारे जो कुछ छूट दे दी जाए या सहूलियत दी जाए तो मेवात का भी उत्थान हो सकता है। अब तक की खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 48।